मुजफ्फरनगर दंगे में शामिल बीजेपी के सभी आरोपियों को बचाने में जुटी योगी सरकार की सारी कोशिशें आखिरकार नाकाम साबित हुई और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2013 के दंगों के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। जिन आरोपियों को योगी सरकार जी जान से बचाने में लगी थी, यहां तक कि उन पे दर्ज सभी केसेस तक वापस ले चुकी थी और उन्हें जबरदस्ती दुनिया के सामने साफ साबित करने की कोशिश की थी, उन सब पे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले से पानी फेर दिया कि अब किसी भी नेता पर लगे आरोप को कोई भी राज्य सरकार एक झटके में खुद से वापस नहीं ले सकती है, जिससे पहले ही बीजेपी की शामत आ गई थी। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने एक और बड़ा झटका तब दे दिया योगी सरकार को जब मुजफ्फरनगर दंगे के बीजेपी के सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए थे। तब सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और अब जो हुआ है वो बीजेपी को हिला के रख देने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में अपनी शाख बचाने में जुटी बीजेपी की नींव हिल चुकी है। उनके नेता मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोपी साबित हो चुके हैं, उन पर आरोप तय हो चुके हैं। विक्रम सैनी पर आरोप है कि उन्होंने दंगे के दौरान लोगों को भड़काया था। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े केस में अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में विधायक विक्रम सैनी आरोपी पाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार में बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज को वापस लेने पर योगी सरकार की काफी फजीहत हुई थी। सब लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या इसी के लिए सरकार बनी थी बीजेपी की। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री हो या फिर विधायक, सब पर लगे केस वापस लिए जाएंगे। क्या इससे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आपराधिक मुकदमे भी वापस लिए जा सकते हैं? और उस वक्त से अब तक 2017 से लेकर के 2021 इन 5 सालों में योगी राज में हुआ भी यही। हर किस्म के आरोपियों को बीजेपी में एक लाइन से शामिल कराया गया। जिस किसी को भी अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस से हटवाने होते थे वो सीधा योगी बाबा के शरण में चले आ रहे थे और बीजेपी का दामन थाम ले रहे थे। और फिर बीजेपी में उन्हें 2 मिनट में मैगी वाले स्लोगन की तरह बीजेपी में 2 मिनट में सफेद कॉलर वाला बना दिया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को हर जगह बैठा देख इससे सख्ती बढ़ा डाली, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि से लेकर के संसद में बैठा इंसान भी सबके सब एक से बढ़कर एक बड़ा अपराधी दिखने लगा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अकल ठिकाने लाने का काम किया। अपराधियों के छवि और उनके रसूख का इस्तेमाल कर वोट बटोरने वाली बीजेपी को ये बता दिया कि ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा अपराध को लेकर के। और आज देखिए कि योगी सरकार के एक एमएलए पे आरोप तय हो चुके हैं, जिसे अब चाहे कि भी योगी बाबा हटा नहीं सकते। तो ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए कि और कितने ऐसे आरोपी सभ्य संस्कारी बीजेपी पार्टी से निकलने बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में पूरी की पूरी बीजेपी मंडली खाली हो जाए, उनका सूपड़ा साफ हो जाए। उप मुख्यमंत्री पर फर्जी डिग्री को लेकर के गाज गिर ही चुकी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में राज्य चला रहे मुख्यमंत्री पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ पर भी आने वाले दिनों में गाज गिरे। योगी आदित्यनाथ पर भी कोर्ट शिकंजा कसे और इन पे भी लगे पुराने इतिहास इनके खंगाले, इन्हें भी आरोपों से घेर दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से बीजेपी का साफ होना तय है और 14 साल का वनवास बीजेपी का एक बार फिर से शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।